तो रेडी हो जाइए आज ही इल्यूजन वीडियो के लिए, जो कि डेफिनेटली आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, नरेंद्र मोदी के ऊपर ये इल्यूजन है और आपने शायद इसी वजह से इस वीडियो को क्लिक भी किया है। तो चलिए जानते हैं, सीधा डायरेक्ट शुरुआत उसी इल्यूजन से करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाने वाला हूं, जो कि आपको काफी ही ध्यान से सुनना होगा और बिल्कुल गौर से सुनिएगा, क्योंकि गौर से सुनकर ही आप इस इल्यूजन को पहचान सकते हैं। शायद नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन फिर भी चलिए ये रहा वो ऑडियो इल्यूजन, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वैसे जो आपने अभी सुना, क्या आपके कुछ भी पल्ले पड़ा है? डेफिनेटली कुछ भी नहीं पड़ा होगा, क्योंकि ऐसा होना ही था। ऐसा क्यों है मैं आपको आगे बताता हूँ, और कैसे ये ऑडियो एक इल्यूजन है, वो भी नरेंद्र मोदी का। और कैसे है मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। हम कुछ भी सुनते हैं, वो हमारे कानों से सीधा हमारे ब्रेन तक जाता है, और हमारे ब्रेन को ये एनालाइज करना होता है कि आखिरकार ये चीज़ है क्या, और वो उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन ढूंढता रहता है। अगर कोई गुस्से वाली चीज़ है तो आपको गुस्सा दिलाएगा, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि रिलेटेड है अच्छे फील से तो आपको वो अच्छा फील कराएगा। ऐसे ही अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो आपको बताएगा ये बिल्कुल ही बेकार की चीज़ है। जैसा कि इस सिचुएशन में हुआ, मैंने आपको ऑडियो क्लिप सुनाई और आपके ब्रेन के पास इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और आपको ये बिल्कुल बेकार की चीज़ लगी, जो कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। चलिए अब मैं करने क्या वाला हूँ कि मैं आपके ब्रेन को वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, उसके बाद वो ऑडियो क्लिप आपको बिल्कुल ही समझ में आने लगेगी, जो कि अब तक आपके ब्रेन के पल्ले ही नहीं पड़ी थी। चलिए वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अब ध्यान से आप नरेंद्र मोदी की ये स्पीच सुनिए, उसके बाद आपको वो ऑडियो अपने आप समझ में आने लगेगी, लेकिन बड़े ध्यान से सुनिएगा। चलिए सुनिए। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई, पूरा दिन मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी। पहले पूरा दिन करते थे मनी 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 मनी, अभी बोल रहे मोदी मोदी। तो अब आपने ध्यान से सुन लिया, चलिए मैं आपको वो दोबारा क्लिप सुनाने वाला हूँ, जो कि आपको पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मैंने आपके ब्रेन को वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जिससे आपको डेफिनेटली अब वो ऑडियो समझ में आने लगेगी। चलिए दोबारा सुनिए। क्यों, अब आपके ब्रेन को वो ऑडियो समझ में आने लगी होगी, और ये काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और आपके भेजे में अब वो इन्फॉर्मेशन है, तो आपने इस ऑडियो क्लिप को आसानी से समझ लिया। कमाल का इल्यूजन था ना। चलिए अब आपको अगले इल्यूजन की ओर लेके चलते हैं, और ये वाला इल्यूजन भी आपके ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देगा। इस इल्यूजन में होने ये वाला है कि मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके अंदर कोई भी साउंड नहीं होगा, और आपका ब्रेन आपकी बात मानेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि उसमें कोई साउंड है, और ये काफ़ी कमाल का इल्यूजन है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपको आवाज़ तेज़ आ रही है या सिर्फ महसूस हो रही है। आपको उस वीडियो में भारीपन भी महसूस हो सकता है, और हो सकता है कि आपको आवाज़ ना आए, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत महसूस ज़रूर होगा। चलिए क्या है वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, और आपके सामने ये रही वो वीडियो। तो आपने वीडियो देख ली होगी, किसी किसी को इसमें से आवाज़ आई होगी, और किसी किसी को जैसे ही वो टावर हवा में गया और ज़मीन पे आता, आपको वो ज़मीन पे लगने का फोर्स भी महसूस हुआ होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने पहले इल्यूजन में देखा था। आपके ब्रेन के पास इस बार नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वहाँ पर वैसा नहीं हो रहा था, तो ब्रेन अपने आप उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहा था। कमेंट करके बताइएगा कि आपको आवाज़ आई थी या फिर आपको वो फोर्स महसूस हुआ था। देखते हैं कितनों को आवाज़ आई थी या कितनों को फोर्स महसूस हुआ था। चलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आपके स्क्रीन के सामने आपको तीन इमेजें नज़र आ रही होंगी, और तीनों इमेज के अंदर आपको ये बताना है कि कौन से एनिमल हिडन छुपे हुए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका आंसर बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर आना चाहिए डॉग, कैट और रैबिट। इसके अंदर ये तीनों एनिमल हिडन छुपे हुए हैं। अब जो इल्यूजन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो काफ़ी कमाल का है। ये रेडिट पे काफ़ी ही ज़्यादा ट्रेंड हुआ था। आपके सामने जो इमेज है, आपको ये बताना है कि इसके अंदर आपके हिसाब से कितने पर्सन छुपे हुए हैं।
कमेंट कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 4 पर्सन यानी कि 4 जने हैं। जैसा कि आप इस वाले को देख सकते हैं, इसने बिल्कुल ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो कि बैकग्राउंड से मैच हो रहे हैं, की वजह से वो बिल्कुल इनविजिबल नजर आ रहा था। और किसी किसी को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बॉटल हवा में, 4 बॉटल है और 3 जनों ने पकड़ रखी है। काफी कमाल का था, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए अब अगले इल्यूजन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को स्क्रीन के सामने इस इमेज के अंदर कुछ ढूंढना है जो कि एक एनिमल है। आपको क्या लगता है इसमें कौन सा हिडन एनिमल छुपा हुआ है, कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक पांडा छुपा हुआ है। आपको इसे ढूंढने के लिए या तो अपने सर को शेक करना होगा, बार बार इधर उधर हिलाना होगा तो वो आपको पांडा दिख जाएगा, या फिर फोन से थोड़ा दूर चले जाइए तब भी आपको वो नजर आ जाएगा, कोशिश कीजिए। अब आपके सामने मैं आपको एक इमेज दिखाने वाला हूँ, उसके अंदर कुछ लिखा होगा, आपको वो तेजी से पढ़ना है। चलिए पढ़िए। अगर आपने ये पढ़ा है अ बर्ड इन द हैंड तो आप बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि ध्यान से पढ़िए, वहां पे लिखा है अ बर्ड इन द हैंड, यहाँ पे द 2 बार है और आपके ब्रेन ने उसे एक ही बार पढ़ा है। अगर आपने ये इल्यूजन पहले देख रखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने पहली बार देखा है तो डेफिनेटली आपने द 2 बार नहीं देखा होगा। अब आपके सामने एक वीडियो आपको नजर आ रही होगी जिसके अंदर 3 येलो डॉट्स हैं और उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे डॉट्स हैं जो कि ब्लू कलर के हैं। अब आपको यहाँ पर करना ये है कि किसी भी एक येलो डॉट पर बिल्कुल देखते रहिए अपनी पलकें मत झपकाइए, होगा ये कि बाकी 2 डॉट बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। आप किसी भी 3 डॉट के साथ ऐसा कर सकते हैं, जिस डॉट को आप देखेंगे उसे छोड़कर बाकी 2 डॉट गायब हो जाएंगे। काफ़ी कमाल का और इंटरेस्टिंग है जो कि आपके ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देगा। शाइनी लेग इल्यूजन। अब ये इल्यूजन इतना ज़्यादा कमाल का है कि ये इल्यूजन सिर्फ आपकी आंखों को नहीं आपके ब्रेन को भी धोखा दे रहा है। देखिए सामने आपको 2 लेग्स नज़र आ रहे होंगे, वो आपको शाइन करते हुए नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे ही आप ये ध्यान देंगे कि उसके लेग्स पर जो कि वाइट कलर की लाइन्स बनी हुई हैं वो बिल्कुल पेंट की हुई हैं, तो आपके सामने आपकी आंखों के सामने वो शाइनी लेग बिल्कुल ही रफ बन जाएगी, वो आपको शाइन करते हुए नज़र ही नहीं आएंगे। ध्यान दीजिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब जरा इस इमेज को देखिए। इस इमेज के अंदर बस आपको इतना बताना है कि ये पिक्चर आपकी तरफ आ रही है या आपसे दूर जा रही है, मतलब कि वो गर्ल और वो हॉर्स आपकी तरफ आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप कमेंट करके देखिए, पहले आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है, आपको सारे कमेंट अलग अलग मिलेंगे। कोई कहेगा कि वो टूवर्ड्स आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई कहेगा कि वो दूर जा रहे हैं। काफ़ी कमाल का है, कमेंट कीजिए आपको पता चल जाएगा। आपको सामने एक सेंटेंस नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर आपको ये पता लगाना है कि कितने एफ टोटल यहाँ पर छुपे हुए हैं। आपके पास 5 सेकेंड है, 5, 4, 3, 2, 1। अगर आपका जवाब 3, 4 या 5 है तो बिल्कुल ही गलत है। वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए यहाँ पर 6 एफ्स हैं। इन सारे इल्यूजन्स में से सबसे अच्छा इल्यूजन आप सभी को कौन सा लगा, कमेंट करके बताइएगा। वैसे अगर आप मेरी बात करें तो मुझे सबसे अच्छा नरेंद्र मोदी वाला इल्यूजन लगा। आपको क्या लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।